गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है फ्राइडे मॉर्निंग और सुबह सुबह मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो बाहर से कड़ी पत्ता मैं तोड़ के आई हूँ, तो उसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज बनने जा रही है कड़ी। तो कड़ी राइस बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, तो उसी की ये तैयारी यहाँ पर चल रही है। और दिया बत्ती मॉर्निंग में मम्मी ने कर दी थी, तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं कड़ी के लिए बैटर तैयार करूँगी। एग कड़ी बनाने वाली हूँ एक्चुअली मैं आज, मैं प्लेन पकोड़े वाली कड़ी नहीं बना रही हूँ। तो एग मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, तो पकोड़े के लिए बैटर और साथ में कड़ी के लिए बैटर मैं अलग से तैयार करूँगी, दही वाला जो बैटर बनता है। तो पकोड़े के लिए मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है 3 से 4 चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला। मैं बहुत सारे मसाले इसमें नहीं डालती हूँ। और लास्ट में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैं इसको पानी डाल के अच्छा सा बैटर, एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, और बहुत अच्छे से इसको फेंटना है ताकि एक भी लंप इसमें ना रहे, अदरवाइज़ पकौड़ी का टेक्सचर अच्छा नहीं आता और वो फुली फुली सी नहीं बनती है। तो बैटर एकदम बढ़िया सा हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम रनी कंसिस्टेंसी इसकी बनी है। तो इसको थोड़ी देर में रखूँगी रेस्ट पे और दूसरी तरफ मैं दही वाला बैटर तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने करीबन 2 से 2.5 चम्मच बेसन लिया है और उसमें मैं करीबन 1/2 कप, मतलब 1 कप के करीब दही ऐड कर दूँगी और उसको मैं अच्छे से फेंटूँगी और एकदम स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। पानी मैं एक स्टार्टिंग में नहीं डालूँगी क्योंकि एकदम से पानी डालो ना तो दही और बेसन अच्छे से घुल नहीं पाता, उसमें गांठें सी रह जाती हैं। तो इसलिए पहले इसको अच्छे से घोलना है बेसन को और दही को, और लास्ट में मैं उसमें पानी डालूंगी खूब सारा। तो दोनों तरह के बैटर रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे एग भी बॉईल करके रखे थे मैंने पहले से। तो मैं इन पे थोड़ी सी बेसन की कोटिंग लगा के थोड़ा सा इसको डिप करके उसके बाद इनको फ्राई कर दूँगी। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि फिर ये वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लेती हूँ कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए। तो हल्की हल्की सी कोटिंग आ जाए इस तरह से इसको फ्राई करना है। और ना ऑयल ज़्यादा अभी गर्म नहीं था तो इस वजह से एकदम ब्राउन नहीं हुए, नहीं तो इसको एकदम गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छे से बेसन पकता भी है और कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका। और पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो कड़ी के लिए बढ़िया सा तड़का तैयार करते हैं। तो करीबन मैंने यहाँ पे 2 से 3 लाल मिर्च लिए हैं सूखी वाली कड़ी में। सूखी लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर डालना। कड़ी पत्ता डाला है फ्रेश वाला, थोड़ी सी हींग डाली है, जीरा डाला है करीबन 1 टीस्पून, मेथी दाना डाला है और सबसे लास्ट में मैंने थोड़ी सी राई डाली है, मस्टर्ड सीड्स। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी में, आप कभी ट्राई करके देखना। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है और इसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालूंगी, बाकी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से सौते कर लूँगी 5 से 7 सेकेंड के लिए और उसके बाद जो दही और बेसन वाला बैटर मैंने रेडी करके रखा था ये ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे ना मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके रखा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्लेम ऑन करके रखो तो दही फट जाती है, तो इसलिए जब भी दही का बैटर डालो तो फ्लेम ऑफ कर दो। और कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही थी और पकौड़े वाला जो बैटर बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी खूब सारा पानी और इसको अच्छे से बॉईल करना है करीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी और बहुत अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से बॉईल किया था और अब इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है और ये एकदम थिक हो गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये टिफ़िन में पैक करके देती हूँ हस्बैंड को ना, तो वहाँ जाने तक एकदम गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए इतना ही रखूँगी मैं इसको। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने और खूब सारा लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें से थोड़ी कड़ी मैंने अलग से अपने लिए निकाल ली है क्योंकि मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं खाती हूँ अभी भी खाने में, तो इसलिए मैंने अपने लिए अलग निकाल दिया है विदाउट रेड चिली पाउडर वाला। और ये मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए है। तो नमक और रेड चिली पाउडर मैंने नहीं डाला था, दोनों चीज़ें डाल दी हैं। और सबसे लास्ट में एग जो मैंने फ्राई करके निकाले थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसे पकाना नहीं है क्योंकि जो बाहर बेसन की कोटिंग लगी है ना अंडे के बाहर वो निकल जाएगी, तो बस हल्का सा इसको मिक्सअप दे दूंगी और ये बढ़िया सी एग कड़ी बनके रेडी हो गई है। सिर्फ हरे धनिया की कमी है, वो आप ज़रूर डालें गार्निश करने के लिए और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गुड मॉर्निंग, 9:30 बज गए हैं सुबह के, खाना वाना सब बन गया है और अब धूप आ गई है। सुबह तक बादल आ रहे थे, स्वास्थ्य को नहला के ना हम लेके आ गए हैं धूप में, लेकिन अभी तेज़ धूप है, ज़्यादा देर रख नहीं सकते।
ज़्यादा देर हम धूप में रख नहीं सकते, बहुत तेज़ धूप आ गई। अब वो देखो अंदर वो रुक नहीं रहा था ना। स्वास्तिक की गद्दी आ गई, अब गद्दी के ऊपर विराजमान हो जाइए। अब बताइए सर, अब बताइए सर, क्या हाल है? एवरीवन, शाम के कितने बज गए हैं, टाइम का भी नहीं पता, आई थिंक 4:30 हो रहे होंगे। और इनको देखो, मैंने एक्चुअली खाम वाम करके लंच वंच करके मैं सोची थोड़ी देर रेस्ट करूंगी दोपहर में, और स्वास्तिक ने मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। 5 मिनट की नींद आई होगी फिर इसका रोना शुरू हो गया। इसका कहना है कि मेरे साथ खेलो या तो मुझसे बातें करो या फिर मुझे ऐसे घुमाओ। तो थोड़ी देर तो मैंने ऐसे बातें करके इसका टाइम पास किया, फिर जब बेड पे नहीं रुक रहा था तो अब मैं इसे ऐसे पकड़ रही हूँ। और इसकी शैतानियां ना आजकल बढ़ गई हैं, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है शैतानियां भी बड़ी होती जा रही हैं, इसकी बढ़ती जा रही है मतलब। और इसके नेल्स फिर से बड़े हो गए, मैंने कुछ दिन पहले कट किए थे, फिर से नेल्स बड़े हो गए। और ना इसके मिटन ओपन कर देते हैं क्योंकि आजकल ठंड थोड़ी सी कम है, तो दोपहर के टाइम पे मिटन में खोल देती हूँ। तो ये क्या करता है ना, मिटन से अपने फेस पे इस तरह से कहीं कहीं पे निशान लगा देता है। तो यहाँ पे नाक में और यहाँ पे इसने फिर से स्क्रैच कर लिया है अपने नेल से। तो इसके नेल्स मुझे कट करने हैं, संडे को कट करूंगी क्योंकि कल तो सैटरडे है, कल मैं नेल्स नहीं कट करूंगी। और फ्राइडे, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को इसका मतलब जिस दिन बर्थ होता है ना, तो उस दिन हमारे यहाँ कहते हैं कि नेल्स नहीं कट करते, तो ये फ्राइडे के दिन ही हुआ था, तो इसलिए फ्राइडे को मैं इसके नेल्स और बाल वगैरह हम लोग नहीं काटेंगे। तो संडे का वेट करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है तब तक ये पता नहीं कितने स्क्रैचेस लगा देगा अपने फेस पे बस। और अब देखो इसे बातें सुनिए, और कमरे की हालत देखो क्या हो रही है। मम्मी ने कल वैक्सीन लगवाई थी कोविड वाली, कल बूस्टर डोज लगी थी ना उनको, और मम्मी के हाथ में इतना दर्द हो रहा है, मम्मी हाथ भी नहीं उठा पा रही है। तो मम्मी अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी बाहर, नहीं तो इस टाइम पे तो मम्मी इसको पकड़ लेती हैं। तो अभी मम्मी छत में गई हुई हैं, थोड़ा सा टहल के भी आएंगी, और कपड़े मशीन में मैंने वॉश किए थे तो वो छत में सूखने के लिए डाले थे, तो वो उठा के लेके आएंगी, फिर मैं मम्मी को ये दूंगी, और मम्मी और पोता मतलब दादी और पोता खेलेंगे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। सुबह के बाद जब मैंने कड़ी बनाई थी, एग कड़ी, उसके बाद से फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, तो ऐसा रहता है। और आज मैंने भी हेयर वॉश किया था, हेयर वॉश करने के बाद मैंने फिर से चोटी बना ली है। आज मैंने कैप नहीं पहनी क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट होने लगी है थोड़ी सी, अंदर भी थोड़ा थोड़ा ना ठीक हो गया, सुबह शाम कैप पहनने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वैसे ठीक हो गया। ऑयलिंग करके मैंने चोटी वोटी सब बना के रेडी हो गई हूँ मैं अभी। तो थोड़ी देर मैं स्वास्तिक को खिलाती हूँ और उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूंगी। अभी मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मम्मी के लिए भी चाय बनाती हूँ, अपने लिए भी, बाकी सारे काम तो डन है, फिर बनाते हैं डिनर। तब तक मैं स्वास्तिक के साथ खेलती हूँ, है ना। और इसके ना सर पे पपड़ी सी हो रही है, जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो उस पर काफी सारे वीडियोस देखे थे मैंने, तो उसमें क्रेडल कैप बोला था कि मतलब क्रेडल कैप हो जाती है बच्चों की, जो डेड स्किन होती है स्टार्टिंग के मंथ्स में वो निकलती है, तो वही इसको भी हो रही है काफी सारी। तो अभी तो इस एरिया में इसके बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, और दिन में थ्री टाइम्स में इसकी मसाज करती हूँ और कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, और इसके लिए एक हेयर ब्रश भी लेके आए हैं। तो कंघी तो हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं, मम्मी मना कर रही थी कि 6 महीने से पहले कंघी मत लगाना, तो इसको मैं ब्रश लगा के हल्के हल्के हाथों से क्रेडल कैप इसकी जो पपड़ी है ना वो निकाल रही हूँ, तो उससे निकल भी रही है। पहले मतलब सूखे पे नहीं लगाना है, सूखे तलवे पे सर पे पहले ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है ताकि पपड़ी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ही मैं ब्रश लगाती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों को दिक्कत हो सकती है ना। तो अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो तो बताना कि इसका और क्या उपाय हो सकता है, कैसे निकाला जा सकता है। और अगर मेरी तरह कोई ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है तो उनके लिए भी यही टिप है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसको मसाज करिए और हल्के हल्के हाथों से ब्रश करके उसको निकालिए, निकल जाएगा। और देखो कितनी बातें सुन रहा है मेरी।
बातें सुनना अच्छा लगता है। इसको ना रात को भी हम इसी तरह से पकड़ते हैं और घुमाते रहते हैं, थोड़ी देर मैं थोड़ी देर हस्बैंड, तो हम दोनों लोग मिलके आजकल हमारी नाइट ड्यूटी चलती है। मुझे तो हॉस्पिटल टाइम से नाइट ड्यूटी करने का एक्सपीरियंस है तो मुझे आदत है, लेकिन हस्बैंड की आजकल नाइट शिफ्ट चल रही है, दिन भर वो ऑफिस में रहते हैं और रात को इसको पकड़ते हैं। मैं उनको उठाती नहीं हूँ लेकिन वो फिर भी उनको शौक है इसको पकड़ने का, वो खुद ही उठ जाते हैं और खुद ही उठ के कहते हैं कि लाओ मैं इसको पकड़ता हूँ। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, वो इसे पकड़ लेते हैं, और थोड़ी देर वो रेस्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर मैं इसे पकड़ लेती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों लोग मिलकर इसको रात को देखते हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं और मैंने घर के लिए कुछ सामान मंगाया है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया। बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं तो वो मैं बाद में शेयर करूंगी। और बाहर पे आग जल रही है कोयले जलाने के लिए, और मैंने खाना भी बना के रेडी कर लिया है। डिनर खाने में मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। स्वास्तिक एक्चुअली सो रहा था ना, तो फटाफट से मैंने सारा खाना बना के तैयार कर लिया। ये मैंने अपने लिए बनाई है, मम्मी ने घर से मूली दी थी जो एक वाइट वाइट का, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना ये मम्मी ने क्या भेजा है, तो मैंने मम्मी से पूछा ये क्या है, तो मम्मी ने ना मूली को कद्दूकस करके सुखा के मेरे लिए भेजा था, और उसको मैं दही में डाल के बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है, और ये आफ्टर डिलीवरी खाते हैं हमारे वहाँ, तो इसीलिए मम्मी ने पहले से मूली सुखा के रखी थी मेरे लिए ताकि डिलीवरी के बाद मैं खा सकूँ। तो माँ जो होती है ना इतना आगे तक सोचती है, मुझे तो ये पता भी नहीं था इस बारे में। अगर किसी के वहाँ इस तरह से खाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें मैंने अजवाइन का और लहसुन अदरक का तड़का लगाया है, बहुत टेस्टी बनता है, मुझे अच्छा लगता है ये। और ये बनी है आलू सोयाबीन की सब्जी, मैं दिखाती हूँ एक बार। और आटा भी मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है क्योंकि ना मम्मी को वैक्सीनेशन लगा है और हाथ में बहुत पेन हो रहा है, तो आटा वाटा सब मैंने गूंथ लिया है। रोटी भी मैं बना दूंगी बाद में, अभी तो भूख नहीं लगी है। वैसे भी जब हस्बैंड आएंगे उसके बाद ही हम रोटी बनाएंगे। ये है आलू सोयाबीन की सब्जी, इसमें ना एक चीज़ की कमी है, वो है हरा धनिया। हरा धनिया होता ना बहुत टेस्टी लगती, तो हरा धनिया एक्चुअली आजकल अच्छा नहीं आता, फ्रेश फ्रेश नहीं आता है, तो मैंने ऐसे ही बना दी। मैं थोड़ा सा आटा भी बचा हुआ है दोपहर का, और इसमें थोड़ी सी कढ़ी भी बची है जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी ना एग कढ़ी, वो बची हुई है, मम्मी ने खाई नहीं पूरी तो ये रखी हुई है, हम लोग डिनर में गर्म करके खा लेंगे। तो इसके बाद हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में, और आज हो गया है सैटरडे, करीबन सुबह के 10 बज रहे हैं अभी। इस टाइम पे ना ब्रेकफास्ट हो गया है, हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह बना के मैंने दे दिया है, मम्मी अपना काम कर रही हैं, और स्वास्तिक जो है सोने का नाम नहीं ले रहा है, उसकी जस्ट अभी मालिश हुई है तो मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके साथ बातें भी कर रही हूँ। और इस टाइम पे उसको सॉक्स वगैरह मैं पहना के रखती हूँ, अंदर कमरे में थोड़ा सा ठंडा लगता है, पीछे साइड जब धूप आती है तो फिर निकाल देती हूँ उस टाइम पे, तो इसीलिए उसको कोशिश कर रही हूँ मैं सुलाने की, लेकिन वो सोने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं सोता है। जब तक कोई ना कोई उसे गोद में पकड़ के ना सुलाए या फिर मैं उसके साथ ना सोऊं तो ऐसा रहता है। तो फिलहाल तो अभी उसके साथ मैं खेल रही हूँ और थोड़ा बहुत किचन का काम कर लेंगे। यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी है, दूध रखना है मुझे बॉईल करने के लिए तो ये बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और बाकी सारा खाना हमारा बना हुआ रखा है। इस बीच स्वास्तिक जो है ना वो फिर से उठ जाएगा, मुझे फिर से उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो सुबह के टाइम पे रुकता नहीं है, सोता है तो वो दोपहर में या फिर शाम को सोता है, तो अभी ये फिर से उठ गया है तो अभी मैं इसको फिर से पकड़ के घुमा रही हूँ। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है आजकल। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 12 बज गए हैं और सुबह से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू तो किया था लेकिन आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, तो हम दोनों लोगों ने मिलके सारे काम कंप्लीट कर लिए, मम्मी ने और मैंने, और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। बालों में मैंने ऑयलिंग की है, इस वजह से थोड़े से चिपके चिपके हैं। मम्मी कहती है ना ऑयल लगा के रखा करना, बिल्कुल भी सूखे मत रहने देना अपने बालों को, नहीं तो फिर ठंड पकड़ सकती है, तो इसलिए मैं आजकल डेली ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों पे, तो इसलिए ना मेरे बाल थोड़े से चंपू चंपू से रहते हैं आजकल। और घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। और खाने में आज हमने क्या बनाया, मसूर दाल की खिचड़ी। मसूर दाल की खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है,
तो चावल मैं ऐसे ही खाती हूँ, जब खिचड़ी बनाती हूँ ना तभी खाती हूँ, वरना मैं राइस ऐसे प्लेन राइस नहीं लेती हूँ। तो मसूर दाल की खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, पतली पतली सी घी डाल के बढ़िया लगती है। तो मैंने घी डाल के घी का तड़का लगा के दिया है उनको, और कुकर हमें बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन ना मेरे पास कॉमेंट आया था, कुकर मेरे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि कुकर की जो लीड है और उसका जो रबर है उसको फ्रीजर में रख देना कुछ देर के लिए, और उसके बाद लगा के ट्राई करना, उससे प्रेशर एकदम से बन जाता है और सीटी आ जाती है। तो मैंने इस तरीके से ट्राई किया था ये ट्रिक, और बहुत ही यूजफुल ट्रिक लगी मुझे। जितनी बार भी मैंने इस तरीके से किया है ना, रबर को 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया और वो एकदम सख्त हो जाता है, कड़क हो जाता है। उसके बाद मैं लिड में उसको लगाती हूँ, फिक्स करती हूँ, उसके बाद में गैस पे चढ़ाती हूँ, तो एकदम से प्रेशर बनने लगता है और एकदम से सीटी आ जाती है। लेकिन आज मैं उसको फ्रीजर में रखना भूल गई, तो फिर क्या किया, फिर बहुत देर तक प्रेशर नहीं बन रहा था। फिर मम्मी ने उसको ठंडे पानी से वॉश किया, रबर निकाल के फिर थोड़ा सा पकड़ के टाइट करके ऐसे लगाया, तो तब जाके प्रेशर बना। बाकी फ्रीजर वाली ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी, अगली बार से भी मैं ये ट्राई करूंगी। तो जिसने भी ये कमेंट करके मुझे बताया था ना, ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल लगी, और उनको थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत काम आ रही है मेरे। तो चलिए, स्वास्तिक जो है अंदर सो रहा है, मम्मी के लिए मैंने टीवी लगाई हुई है, मैं अपना यूट्यूब का काम कर रही थी, बहुत सारे काम रह जाते हैं ना जो पेंडिंग पड़े हुए हैं काफी दिनों से, तो वो कंप्लीट कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं, और अब इस व्लॉग को अब मैं यही पे एंड करती हूँ, नए व्लॉग में मिलते हैं, नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।